नमस्कार दोस्तों, कुशीनगर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं अंकित कुमार आज आप सभी लोगों के बीच में फिजिक्स क्लास 11 का जो है डायमेंशनल एनालिसिस टॉपिक लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में जो है हम सभी लोग देखेंगे कि कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है उसकी बीमा कैसे लिखा जाता है, उसका डायमेंशन कैसे लिखा जाता है। इसके पहले के वीडियो में हम सभी लोगों ने भौतिक राशियां क्या होती हैं सब पढ़ा था, मूल राशियां क्या होती हैं पढ़ा था, मूल मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, सारी चीजों को हमने पढ़ लिया था। एक बार और हम लोग जान लेते हैं कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। वे राशियां जिन्हें हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं उनको भौतिक राशियों की संज्ञा दी जाती है। उदाहरण के लिए यदि हम कहें कोई भी राशि ले लीजिए, वेग ले लीजिए, चाल ले लीजिए, संवेग ले लीजिए, आवेग ले लीजिए, इस तरह की जितनी भी राशियां होती हैं उनको हम लोग भौतिक राशियों की संज्ञा देते हैं। इन भौतिक राशियों के परिमाण को और मात्रकों को व्यक्त करने के लिए उनका एक हमने संबंध बताया था कि भौतिक राशियों के मात्रक में और उसके परिमाण में क्या संबंध होता है, या फिर कह दीजिए कि भौतिक राशियों के आंकिक मान जो कि उनके परिमाण को व्यक्त करते हैं और उस परिमाण व परिमाण की मात्रा कितनी है इसको इंडिकेट करने के लिए मात्रक यूज किया जाता है। आंकिक मान और मात्रकों में जो संबंध दिया था N1U1 = N2U2 इसको हम लोगों ने पढ़ दिया था। अब इस वीडियो में हम इन्हीं भौतिक राशियों की बीमाएं कैसे लिखते हैं या फिर बीमाएं क्या होती हैं इनको हम जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि इसको हम समझते हैं, सबसे पहले हमने बताया था सात जो मूल राशियां थी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति, तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये सात मूल राशियों का मात्रक भी हमने बताया था। अब इनमें से डायमेंशन लिखने के लिए जो है विशेष तौर पर हम लंबाई द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ये पांच जो हमारी भौतिक राशियां हैं विशेष तौर पर इन्हीं की सहायता से जो है हमारे सिलेबस में जितनी भी भौतिक राशियों की चर्चा की है उनकी जो बीमाएं दी हैं वह इन्हीं पांचों में जो है हम लिख सकते हैं आसानी से। जबकि पदार्थ की मात्रा एवं ज्योति तीव्रता भी है जिसकी बीमाएं कहीं इसमें हमारे सिलेबस में लिखने के लिए नहीं है, लेकिन अगर आगे पहले इनको देखते हैं, आगे उन चीजों को जो है ज्योति तीव्रता और जो है पदार्थ की मात्रा है उनसे संबंधित जो भौतिक राशियां हैं उनके बीमा की चर्चा कर लेंगे। अभी इस वीडियो में हम इनको देखेंगे। लंबाई, इसका मात्रक तो हम जानते हैं, अगर एसआई में बात करेंगे तो मीटर, उसके आगे जिसमें भी बात कर लें एमएम में बात कर लें, किलोमीटर में व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन जो बीमा इसकी होती है, लंबाई की बीमा को कैसे इंडिकेट किया जाता है, कैपिटल एल से इंडिकेट किया जाता है और इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है। द्रव्यमान की जो बीमा है उसको एम से, कैपिटल एम से, इसमें याद रखिएगा जो बीमा लिखते हैं उनके जो सिंबल होता है उनको हमेशा कैपिटल लेटर में इंडिकेट करते हैं। समय की जो बीमा है उसको टी से हम दिखाते हैं, कैपिटल टी से। ताप की जो बीमा है इसको थीटा से दिखाया जाता है और बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। और जो विद्युत धारा है इसकी बीमा को हम कैपिटल ए से इंडिकेट करते हैं। तो अभी हम इन्हीं की सहायता से जो है बीमाएं लिखना सीखेंगे। अब बीमा होते क्या है, बीमा की परिभाषा क्या है, हम इसको देख लेते हैं। ये इनकी पहचान है कि लंबाई की बीमा क्या होती है, कैपिटल एल होता है। द्रव्यमान की बीमा क्या है, कैपिटल एम है। समय की बीमा कैपिटल टी है और बड़े ब्रैकेट में उसको बंद कर देते हैं। ताप का थीटा है और विद्युत धारा का ए है। बाकी आगे ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा का हम भौतिक राशियों में ही समझ लेंगे। तो आगे हम समझते हैं कि बीमा क्या है, बीमा की परिभाषा क्या है। यदि हम देखें एक भौतिक राशि लेके चल रहे हैं वेग को, वेग और एक स्पीड दे दीजिए, स्पीड और वेग में सिर्फ अंतर है, वेग जो है एक सदिश राशि है और स्पीड जो है हमारा चाल, यह जो है हमारा अदिश राशि है। इनमें परिमाण भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, लेकिन इनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन दोनों में क्या होता है, दूरी का जो मात्रक होता है उसमें समय का मात्रक से भाग कर दिया जाता है। तो चाहे वेग हो या चाल हो दोनों का यूनिट हम प्राप्त कर लेते हैं, किसमें, दूरी के मात्रक में समय के मात्रक से भाग देने पर वेग, वेलोसिटी या फिर स्पीड की हम लोग यूनिट को प्राप्त कर लेते हैं। तो हम इनमें से किसी एक को लेने, वेग को या स्पीड को, यहाँ पे सदिश या अदिश की बात नहीं हो रही,
लेकिन दोनों में एक अंतर बस ये है। और परिभाषा भी जब हम देते हैं वेग की या स्पीड की, तो वेग की परिभाषा में हम कहते हैं कि एकांश समय में तय किए गए विस्थापन या एकांश समय में हुए विस्थापन को जो है वेग की संज्ञा दी जाती है। और चार्ज होता है एकांश समय में तय की गई दूरी को जो है चाल कहा जाता है। तो दूरी और विस्थापन में अंतर होता है, इस कारण से दोनों में थोड़ा सा अंतर इस पॉइंट से भी देख लेते हैं। अगला हम भौतिक राशि के मात्रक को लेकर बीमा लिखते हैं। तो एक भौतिक राशि हमने लिया वेग, या फिर मन करे तो चाल दे लीजिए। इसका जो यूनिट होता है दूरी के मात्रक में, दूरी के मात्रक में हम क्या करते हैं समय के मात्रक से भाग देते हैं। दूरी का मात्रक, अब एसआई हम एसआई यूनिट में ही लिख रहे हैं, वैसे लिखने का तो किलोमीटर पर आवर भी लिखा जा सकता है या फिर मीटर पर मिनट भी लिख सकते हैं, लेकिन एसआई में हम लिखेंगे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में। इसमें होता है दूरी का मात्रक मीटर लेके चलते हैं, और इसको संक्षेप में व्यक्त करें तो इस माध्यम, और समय के मात्रक को हम सेकेंड, इसको हम लिखना चाहे तो एसईसी लिख सकते हैं। ये जो हमारा होता है, अगर हम इसको इस तरह से लिखें मीटर पे पावर एक, और जो हमारा सेकेंड है जब ऊपर जाएगा, इस पे भी घात एक है, इस पे भी घात एक है, ये ऊपर जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं सेकेंड पे पावर माइनस एक। तो आप देख सकते हैं मीटर पे घात हमारी कितनी है एक, और सेकेंड पे घात हमारी कितनी है माइनस एक। तो ये जो घाते होती हैं, इन्हीं घातों को हम क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। यानी वेग जो भौतिक राशि है उनमें उनके मात्रकों पर, यानी मूल मात्रकों के ऊपर जो घात आई हैं, चूंकि मीटर या सेकेंड क्या है मूल मात्रक है, इन मात्रकों के ऊपर जो है जो घाते आई हैं इन्हीं को हम बीमा की संज्ञा देते हैं, घातों को ही बीमा कहा जाता है। यानी यदि हम बीमा की परिभाषा दें तो क्या कह सकते हैं, भौतिक राशियों के मूल वे भौतिक राशियां, या फिर ऐसे कह लीजिए कि बीमाएं जो होती हैं वे भौतिक राशियों की वे घाते होती हैं जो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाई जाती हैं। अगर हम इनके परिभाषा को हम लिख भी देते हैं, आप देख लीजिएगा इसको, किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घाते होती हैं जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशि के मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। यानी यदि हम बात किए यहाँ पे क्षेत्रफल को ले देते हैं दूसरी भौतिक राशि को समझने के लिए, तो इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि हम जानते हैं कि क्षेत्रफल हमारी क्या है भौतिक राशि है, और जो लंबाई का मात्रक है और चौड़ाई का मात्रक है ये क्या हमारी हो गई मूल राशि हो गई। लंबाई या फिर चौड़ाई दोनों जो है दूरी को इंडिकेट कर रहा है, तो यह जो है मूल राशि हो गई। और लंबाई का मात्रक क्या हो गया मीटर एसआई पद्धति में, और जो चौड़ाई का मात्रक हो गया यह भी हमारा हो गया मीटर। अगर इनको लिख दें तो हम एम स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी क्षेत्रफल हो गया हमारा भौतिक राशि, परिभाषा क्या लिखा, किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घाते होती हैं जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशि के मात्रकों पर, यानी मूल राशि के मात्रक कौन से मात्रक होते हैं मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। तो भौतिक राशि हो गई हमारी क्षेत्रफल, इसकी जो मूल राशियों में हम इसको लिखते हैं तो ये होती है व्युत्पन्न राशि क्षेत्रफल, जो कि भौतिक राशि भी होती है। अब इस व्युत्पन्न राशि किससे मिलकर बनी होती है, मूल राशि से। मूल राशि क्या है लंबाई और चौड़ाई, तो मूल राशि हमारी लंबाई और चौड़ाई, इनके मात्रक क्या होंगे, लंबाई का मात्रक भी दूरी के मात्रक के समतुल्य होता है तो लिखते हैं मीटर एसआई पद्धति में, और चौड़ाई भी चौड़ाई का मात्रक जो होता है ये भी दूरी के मात्रक के समतुल्य होता है तो इसको भी लिखते हैं मीटर। तो मूल राशि में व्यक्त किए और मूल राशि के मात्रकों पर चढ़ाई जाती है, तो मात्रक क्या होगा मीटर और मीटर, तो मीटर देखेंगे इसको या तो हिंदी में लिख लीजिए मीटर, इन पर चढ़ाई गई। तो ये दो क्या है, यह दो जो है इस भौतिक राशि क्षेत्रफल की बीमा, यानी पूछ सकता है
एसआई पद्धति में यदि हम क्षेत्रफल के मात्रकों को लिखते हैं या फिर एसआई पद्धति में क्षेत्रफल की बीमा कितनी होती है, तो एसआई पद्धति में क्षेत्रफल की जो बीमा होती है वह 2 होती है। क्यों? क्योंकि बीमा क्या है? क्षेत्रफल भौतिक राशि है। बीमा शब्द भौतिक राशि के लिए ही यूज होता है। तो भौतिक राशि की बीमाएं वे घाते होती हैं जो उस राशि के यानी इस भौतिक राशि के को इस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए इस क्षेत्रफल को व्यक्त करने के लिए मूल राशि के मात्रकों के ऊपर मूल राशि के मात्रक यानी मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाई गई। यानी एसआई पद्धति में इस क्षेत्रफल का इस भौतिक राशि की जो बीमा होती है वह 2 होती है। अगर हम इसको लिखें बीमा के टर्म पे, तो मैंने बताया था कि लंबाई की जो बीमा होती है इसको कैपिटल एस एल से लिखा जाता है। तो चूंकि ये सब लंबाई के मात्रक है, यदि हम इसको लिखें क्षेत्रफल की बीमा, तो सीधा सा हम लिख सकते हैं कैपिटल एल इस पे पावर 2। तो उम्मीद है कि आप जो बीमा का कॉन्सेप्ट है इसको समझ गए होंगे कि किसी भी भौतिक राशि के लिए ही बीमाएं लिखी जाती हैं और इस भौतिक राशि के को व्यक्त करने के लिए इनकी जो मूल राशियां होती हैं इनके मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। हमको पता है कि मूल राशि के जो मात्रक होते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं। तो चलिए जो है अभी हमने क्षेत्रफल का देखा और कुछ भौतिक राशियों के जो है मात्रकों को मात्रक और उनकी सहायता से उनकी बीमा लिखते हैं। बात करते हैं वेग को लेकर चलते हैं। वेग पाला या फिर चाल दोनों के लिए क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। इसको एक टर्म में और समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक भौतिक राशि है ए, कोई भी एक भौतिक राशि हमारी क्या है इसको और अच्छे से पहले समझ लें। कोई भी मान लीजिए एक फिजिकल क्वांटिटीज है, एक फिजिकल क्वांटिटी है ए, ठीक। यह जो भौतिक राशि है इसका जो मात्रक है एक लंबाई के मात्रक में है जो कि मूल राशि, एक हमारा समय में है और एक द्रव्यमान में है, ठीक है, द्रव्यमान में है। यदि ए जो भौतिक राशि है इसके मात्रक को हम भौतिक राशि है ये फिजिकल क्वांटिटीज, अब इसके मात्रक को हम लिखें जो कि मूल राशियों में लिखें, मूल राशियों में इसको व्यक्त करें, तो लिख देते हैं लंबाई गुणे द्रव्यमान गुणे मान लीजिए लिख दिया समय हो गया। लंबाई की बीमा क्या होगी? कैपिटल एल। द्रव्यमान की बीमा क्या होगी? कैपिटल एम, अलग अलग ब्रैकेट में पहले लिखिए, और समय की जो बीमा होगी उसको कैपिटल टी से लिखेंगे। इन सबको एक में समाहित कर दें तो एल एम और टी ऐसे लिख सकते हैं। दोनों पे घात क्या है? यहां के लिए तो हमने एक लिया, तो एक एक या एक, लेकिन चूंकि भौतिक राशि परिभाषित नहीं है कि कौन सी है, इसलिए लंबाई पर या द्रव्यमान पर या समय पर कितने घात लगेंगे ये क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सीधा से ए बी और सी, ये इन पे हो गया। यानी किसी भी भौतिक राशि की जो बीमा का एक फॉर्मूला ही समझ लीजिए किस रूप में होता है। तो ये मान लीजिए भौतिक राशि है, अब जो भी इसके समय पे जगह पे हो, चाहे वेग हो, चाल हो, क्षेत्रफल हो, संवेग हो, आवेग हो, इसकी बीमा को यदि हम लिखते हैं तो एल पे पावर ए लिख लीजिए, एम पे पावर बी, उसके बाद से टी पे पावर सी, और इसके आगे लंबाई द्रव्यमान समय, और उसके आगे ताप मान लीजिए तो उसको थीटा पे पावर हम लिख दें डी। इस रूप में जो है इसकी बीमा होती है। किसी भी भौतिक राशि की बीमा का जो है सूत्र ये होता है। अब इसी आधार पर हर एक भौतिक राशि की बीमा लिखी जाती है। आप न हो तो इस फॉर्मूले को जो है नोट भी कर सकते हैं। अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं ए इक्वल टू एल एम टी और थीटा, इस पे ए लिखिए, बी लिखिए, सी और डी, ये घाते होते। किसी भी भौतिक राशि की बीमा का जो है कैसे लिखी जाएगी वह इसी फॉर्मेट पर होती है या इसका सूत्र है, समझ सकते हैं किसी भी भौतिक राशि की बीमा लिखने का। अब हम कुछ भौतिक राशियों को लिखते हैं, फिर उनके मात्रकों को लिखेंगे, फिर उनकी बीमाएं लिखते हैं। पहला हम भौतिक राशि लेके चलते हैं वेग या फिर चाल को। मात्रक क्या होता है? सब एसआई में हम लिख रहे हैं, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में हम जो है कुछ भौतिक राशियों की बीमा लिखे, एसआई इसलिए लिख रहा है ताकि ये क्लियर हो जाए कि उनके जो मात्रक हम लिखेंगे वह एसआई पद्धति में लिखें, नहीं तो कोई मीटर की जगह पे किलोमीटर लिखेगा, सेकेंड की जगह पे घंटा लिखेगा, इसलिए एसआई सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो है वेग या चाल का मात्रक मीटर और सेकेंड में लेके चल रहे हैं, ठीक, या फिर दूरी का ऐसे ही कहेंगे, क्योंकि वेग को लिखेंगे मीटर क्या है, दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक या फिर लंबाई का मात्रक, ठीक। और सेकेंड जो है इसको लिख सकते हैं हम सीधा सा समय का मात्रक, ठीक है। दूरी का जो मात्रक है इसकी बीमा होती है कैपिटल एल, और जो समय का मात्रक है इसकी बीमा होती है कैपिटल टी। इसको यदि हम लिखें, ये बड़ा ब्रैकेट है, तो कैसे लिखेंगे, एल टी पे पावर -1, क्योंकि एक इस पर भी है एक इस पर भी है, और ऊपर जाएगा बटेगा तो -1 लिख देंगे,
यह हो गया हमारा वेग की बीमा, ठीक है। दूसरा हमारा हो गया मान लीजिए क्षेत्रफल की बीमा, यदि हम लिखें जो हमारा फॉर्मेट होता है, मैंने बताया था कि बीमा किसी भी भौतिक राशि की बीमा लिखने का फॉर्मेट, किसी भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र किस फॉर्मेट पर होता है, या यही फॉर्मेट है। ए मान लीजिए कोई भौतिक राशि है, एल पे पावर ए, एम पे पावर बी, टी पे पावर सी एंड थीटा पे पावर डी, इसी फॉर्मेट पे किसी भी भौतिक राशि की बीमा लिखे थे। लंबाई की बीमा, द्रव्यमान की, समय की और ताप की बीमा, ठीक। क्षेत्रफल की लिखेंगे तो ए भी क्या होता है, लंबाई का, यहाँ भी हो जाएगा लंबाई का मात्रक, मात्रक गुणे चौड़ाई का मात्रक, मात्रक, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई का मात्रक और चौड़ाई का मात्रक। तो लंबाई की बीमा और चौड़ाई की बीमा दोनों को ऐसे ही लिखेंगे, तो जो क्षेत्रफल की बीमा होती है एल पे पावर टू होती है। तीसरा हमारा होता है, हम बात कर लेते हैं त्वरण की, बात कर लें त्वरण एक्सीलरेशन, ये क्या होता है। अगर हम इसको लिखते हैं सीधा सा लंबाई का मात्रक, क्या लिखेंगे, लंबाई का मात्रक, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक भी लिख सकते हैं, बता समय का मात्रक, समय का मात्रक और इसका स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी लंबाई या दूरी का मात्रक ऐसा ही पद्धति में, बटा समय के मात्रक का होल स्क्वायर। लंबाई का मात्रक एल देंगे और समय का मात्रक कैपिटल टी, इस पे हम लिखेंगे कैसे, टू लिख देते हैं ऐसे करके, ठीक, क्योंकि स्क्वायर है तो बड़े ब्रैकेट के अंदर टी पे टू लगाएंगे, एल और ऊपर जाएगा टी पे पावर माइनस टू, यह हमारा हो जाता है त्वरण का मात्रक। चौथा यदि हम लिखें, यदि हम ले लेते हैं यहाँ पे बल का मात्रक, बल का मात्रक एम इंटू ए, यानी सीधा सा लिखिए द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक आगुड़े त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक। हमको पता है कि द्रव्यमान का मात्रक, यानी इसकी बीमा कैसे लिखी जाएगी, एम से, इसी फॉर्मेट पे लिखा है, देखिएगा एम, और त्वरण का मात्रक है, त्वरण की बीमा किस रूप में आई हमारे, एल टी पावर माइनस टू, तो ये हो गया और ये ब्रैकेट में हो गया एल टी पे पावर माइनस टू। अगर इसको एक में समाहित कर दिया जाए तो क्या होगा, एम एल टी पे पावर माइनस टू, यह हो गया हमारा बल की। पांचवा हमारा यदि हम लिखें, लिख सकते हैं कार्य, कार्य कहिए या ऊर्जा कहिए, दोनों की बीमाएं समान होती हैं लेकिन फॉर्मूले जो होते हैं अलग अलग होते हैं। कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन एफ इंटू एस, यानी बल का मात्रक, बल का मात्रक गुणे दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक या विस्थापन का मात्रक, ठीक है। आगे हम देखें इसको, बल का मात्रक हमने क्या निकाला, एम एल टी पे पावर माइनस टू, एम एल टी पे पावर माइनस टू, और दूरी का मात्रक क्या हमने लिखा था, दूरी का मात्रक यानी लंबाई का मात्रक एल होता है, तो लगा देंगे एल, तो हम इसको लिख सकते हैं एम एल दो बार है तो एल पे पावर टू और टी पे पावर माइनस टू। तो यह जो हमारा है यम एल पे पावर टू टी पे पावर माइनस टू, यह वर्क की भी बीमा है और एनर्जी, एनर्जी दोनों की बीमा है, लेकिन दोनों के जो फॉर्मूले होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ये था हमारा डायमेंशनल एनालिसिस में कुछ पॉइंट्स को हमने देखा, बाकी आगे की जो चीजें हैं उसको अगले वीडियो में देखेंगे। बीमीय परिभाषा क्या है किसी भी भौतिक राशि की, उसको बता दिया, कुछ उदाहरणों के माध्यम से बीमा कैसे लिखते हैं, इसको उम्मीद है कि आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। आगे की जो चीजें हैं इसमें उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।